सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव के बाद गिनती की बारी है और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपटे हैं, लेकिन अब मतगणना की गिनती से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बवाल शुरू हो गया है। उनका मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, प्रशासन उसमें उनकी सहायता कर रहा है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और अधिकारियों की गाड़ी चेकिंग करने में लगे हुए हैं। जगह जगह पर वो अखिलेश यादव के आदेश का पालन कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि प्रशासन लगातार सरकार की मदद कर रहा है, मतगणना में जो ईवीएम यूज हुई हैं उनमें गड़बड़ी की जा रही है। ये पहले से इस पार्टी का आरोप रहा है। जैसे जैसे चुनाव की गिनती नजदीक आ रही है, ये आरोप तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, अधिकारियों की गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। जैसे कि आपको तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, बलिया में गाड़ी रोकी जा रही है, बुलंदशहर में गाड़ी रोकी जा रही है, मैनपुरी में गाड़ी रोकी जा रही है। तो जहां पर सपा के गढ़ हैं, जहां पर सपा अच्छी स्थिति में है, वहां पर उनके कार्यकर्ता उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एसडीएम की गाड़ी रोकी गई है और बलिया में भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जहां जहां पर ये ईवीएम मशीन रखी हुई है उनके आगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं। तो कल गिनती होनी है और उससे पहले समाजवादी पार्टी का ये ड्रामा शुरू हो गया है। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।